छतरपुर पथराव कांड में मास्टरमाइंड हाजी शहजाद को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर था। रिमांड पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस ने पथराव कांड के कई सबूत जुटाए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ये 3 दिन के पुलिस रिमांड में थे जो आज कंप्लीट हुई थी, जिनको माननीय अदालत समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अभी ये जेल में रहेंगे। इनके यहाँ पुलिस ने कुछ इनके घर में भी आसपास सर्चिंग करी थी, कुछ एविडेंस मिले जो हम डायरी में। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता हरीश गुप्ता। हरीश, जेल के सलाखों के पीछे शहजाद अली, क्या अपडेट आज की कार्रवाई को लेकर? बता दें कि 27 तारीख को जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद पुलिस ने अदालत में पेश किया था, तो कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी थी। आज शाम तक लगभग छह बजे तक इनकी रिमांड थी, लेकिन पुलिस ने 5 घंटे पहले ही कोर्ट में पेश कर दिया और कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस का कहना है कि हमने इसके घर से और जहां ये अदालत चलाता था, समानांतर अदालत चलाता था, जहां फैसले सुनाता था, वहां पर भी इनके सबूत जुटाए हैं। और जब सबूत जुटाने के बाद ही जब पुलिस की तहकीकात पूरी हो गई है, इस मास्टरमाइंड के जब सबूत पूरे मिल गए हैं उनका कहना है, तो इसलिए इसको आज कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट से फिर दोबारा रिमांड नहीं मांगी गई और फिर अदालत ने जेल ने इस बार ये न्यायाधीश ने उसको जेल भेज दिया है। अब जेल में जो इसमें कोतवाली पे हमले करने वाले आरोपी थे, 37 आरोपियों को जेल में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। अभी बाकी जो आरोपी हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। अभी तक पुलिस से कुछ लोगों को जिला बदर की कार्रवाई कर चुकी है जो फरार चल रहे हैं, और कुछ लगभग 6 लोगों के लाइसेंस भी, 16 लोगों के लाइसेंस भी, बंदूक के लाइसेंस भी रद्द कर चुकी है पुलिस। हरीश गुप्ता, जानकारी के लिए शुक्रिया।